Hi guys, welcome to another deep talk. I have with me Amit Loda, who of course you will know a lot more about after this deep talk session. Lekin main aapko bata do, Amit Loda is my batchmate from IIT Delhi. He is therefore an engineer. He is of course, as you can see, an IPS officer. So he's cleared the civil services exam. So aap mein se bahut log वैसे missions भी रखते हैं, he's a good person for that, and he's an author also, and he's a motivation speaker also. So there is a lot in common. Hi Amit. Hi Chetan. So thank great you. To see you. Thank you so much for your time. और यार तुम क्लास में तो कभी ऐसे वर्दी वर्दी नहीं पहनते थे, अब तो थे थोड़ा देख के थोड़ा डर सा लग रहा था। मैं क्लास आते ही नहीं था चेतन, तुमको पता होगा हम आईटी ने कभी मिले नहीं थे, because I was one of the worst students in IIT. I know. 6 points over. I was not a 5.7, I was a 6.7. You are 6 tak to pahunch gaye. And yeah, no, it's so nice to have you here, because ab tak maine aapse sirf one on one baat ki hai, you know, like ye bhi one on one hi hai, lekin ye aur log bhi dekhenge. And you know, you represent that Indian success jo bahut log pana chahte hain aur jo pa bhi sakte hain. एक होता ना आपको सब कुछ, सब कोई धोनी बनना चाहता है, सब कोई तेंदुलकर बनना चाहता है, लेकिन वो एक गॉड गिवन टैलेंट होता है. मैं कह रहा था कि अमित आपका जो सक्सेस है वो ऐसे सक्सेस है जो बहुत लोग पाना चाहते हैं, जो पाना आसान भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है. एंड आई फील यू हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. कम ही वर्दी वाले लोग कहानियां लिखते हैं, कम ही वर्दी वाले लोग IIT भी करते हैं. तो मेरे को लगा आपसे सीखने को बहुत कुछ है, लोगों जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे. यू जॉइन्ड द आईपीएस, बट बिफोर द आईपीएस यू हैड नो प्लान्स ऑफ द पुलिस और एनीथिंग? यू आर डूइंग इंजीनियरिंग विद मी, हम दोनों लैब में जाते थे अपना टिपिकल, वो IIT की तैयारी, IIT के एग्जाम दे रहे हैं. तो जब सडनली यू बिकम IPS एंड यू आर इन अ जॉब लाइक जैसे आपने किया बिहार की पुलिसिंग करना, एक इंसान कैसे कर सकता है यार? मतलब उसका वो उस तरीके से माइंडसेट ही नहीं है कि मैं जाके चोर कुंडों से लड़ूंगा. तो आपको वर्दी पहना दी तो कहां से आती है वो ताकत? आपकी बात सही है. जब मैं कॉलेज में था तो मैं अभी खराब चुनता, जैसे अपनी पहले बात हुई, बट मेरे को IPS बनना हमेशा से मेरा सपना था. आई नो इट विल साउंड क्लीशे, बट मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो ब्यूरोक्रेसी में थे, उनको देखकर मेरे को मन में बड़ा होता था कि मुझे भी बड़ा होकर ब्यूरोक्रेट बनना. और जब UPSC का एग्जाम दिया, मैंने IPS अमंग द टॉप चॉइसेस भरी, और मेरा लकीली कम एज में भी हो गया, अटेंडेंस बाकी थे, बट उसके बावजूद मैंने IPS ही बनना प्रेफर किया. और वर्दी एक ऐसी चीज है कि जब आप इसको पहन लेते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है. मेरे को कुछ फिल्म एक्टर्स जो जिनसे जान पहचान है वो बोलते हैं कि वो फिल्म की एक्टिंग के लिए जब वर्दी पहनते हैं उससे उनको उतना जज्बा आ जाता है, जोश आ जाता है. तो मैं तो रोज ही वर्दी पहनता हूँ. टीम वर्क, क्योंकि आपके साथ सारे लोग वर्दी में होते हैं तो आपको आपकी ताकत 100 गुना हो जाती है. अगर मेरे साथ 100 सिपाही हैं, 10 इंस्पेक्टर्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी ताकत 100 गुना हो सकती है. तो वर्दी पहन के बहुत अच्छा लगता है. एक बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, जहाँ पे आपने एक बार कोई आदेश दे दिया उसका कंप्लायंस तुरंत होता है. चाहे उसकी जान भी जोखिम में होगी तब भी उस सिपाही खड़ा रहेगा, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गार्ड हो या बिहार पुलिस का जवान हो. तो इट्स अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड पोस्ट आई एम होल्डिंग राइट नाउ बीइंग इन द IPS. इंडियन पुलिस सर्विस के जितने अधिकारी हैं वो पुलिस के लीडर्स हैं इंडिया के अंदर. तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वर्दी पहनने का मौका मिलता है, और ये मेरा ड्रीम था चेतन. जब आपका ड्रीम पूरा हो जाता है, वर्दी पहनते हैं, जब पहली बार मैंने नासिक पुलिस अकेडमी में अपनी वर्दी पहनी तो 10-15 मिनट तक काश में ही अपने आपको देखते थे कि कैसे लग रहे हैं, कैसे हैं. तो ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. तो बहुत अच्छा लगता है वर्दी पहन, सारी ताकत वर्दी में ही है. आई एम सो हैप्पी कि आप यू लव योर जॉब एंड यू गॉट योर ड्रीम. एंड हम एग्जैक्टली यही एम है इस चैनल पे मेरा. जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन मान लो उन्हें, और वो भी यही चाहते हैं कि दे हैव सम ड्रीम, वो अचीव हो जाए. और ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि नॉट ओनली हैव यू अचीव्ड योर ड्रीम, आपने अभी कई सालों से सर्विस में हो और अभी भी यू लाइक इट. एक होता है कई बार यू नो यू जस्ट गेट द ड्रीम एंड यू गेट द जॉब एंड फिर लगता है यार, अरे यार वो चीज नहीं थी, या फिर आप कंपैरिजन लगता है यार मेरे बैचमेट्स तो IIT के यू नो कंपनियां खोल रहे हैं, लाइक अभी Zomato का IPO हो रहा है, वो भी हमारा ही लड़का है IIT दिल्ली का, एंड दैट्स 60,000 crore वैल्यूएशन कंपनी. एंड देन ऑफ कोर्स दैट इज अ एक्सट्रीम एग्जांपल, बट अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स आर इन बैंकिंग एंड मेकिंग क्रोर्स अ ईयर
तो आपको कई बार लगता है ऐसे कि यार मैं भी वो एमएनसी राउट लेता या ये सब करता? मेरे को चेतन कभी भी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये मेरा सपना था, एंड मैं जितने यंगस्टर्स आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, तो जिंदगी में वही करना चाहिए जो जिसकी आपको इच्छा हो, जिसके लिए आपको पैशन हो। जस्ट बिकॉज किसी ने 60,000 करोड़ कमा लिए, 10,000 जो भी कमाने कमा लिए, इसके मतलब ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, जिससे मुझे खुशी मिलती है। और ये लोगों को लगेगा मुकेश बात कर रहा हूँ या प्रेषित बात कर रहा हूँ, बट सच्चाई तो यही है। आपने पिक्चर देखी है, रॉक ऑन भी देखी है, आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी देखी, उसमें भी दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक करे, बट अपनी लाइफ से कुछ नहीं है। लेकिन जब वो गिटार बजाता है फरहान अख्तर का कैरेक्टर, उसको बहुत मजा आता है। तो मेरे को अगर आप बैठा देंगे किसी एमएनसी में या जोमेटो के ऑफिस में आज, तो मैं वो काम कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन आप मेरे सामने किडनैपिंग के केसेस रखिए, आप मेरे सामने कुछ क्राइम रखिए, लूट डकैती, आप बोले कि बोध गया टेंपल पे अटैक होने वाला टेररिस्ट का, तो आप इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? या राजस्थान में आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आप आईजी के पद पर तैनात है, आपको देखना है कि कोई भी घुसपैठ या कोई भी टेररिस्ट वहां से इंडिया में क्रॉस नहीं करे। तो वो वाला काम मुझे बहुत मजेदार लगता है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आई लुक फॉरवर्ड टू दीज चैलेंजेस। तो जब आपके लिए वो काम काम नहीं रह जाता है, आप समझ ही रहे, मतलब इट बिकम्स योर पैशन, आई एम लिविंग माई ड्रीम एवरी मोमेंट। तो मुझे रियली फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या आईपीओ आ रहा है। अपने कई दोस्त हैं, आपको पता होगा अपने आईटी में कितने लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया किया, समीर गहलोत ने इंडिया बुक्स खोला है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देयर सक्सेस। बट फॉर मी सक्सेस अपनी जगह है ही, ऑब्वियसली आई एम सपोजली अ सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर, बट मोर देन दैट आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पीनेस एक जर्नी है, लोग अक्सर किसी एक टारगेट के पीछे जाते जाते हैं, तो मेरा टारगेट सिर्फ है कि आई वॉन्ट टू रिमेन हैप्पी एवरी मिनट ऑफ माई एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। तो उसके लिए एक तो मेरे को अपना काम बहुत पसंद है, तो जब मैं ऑफिस आता हूँ, मेरे को वर्दी पे मैं आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ऑफिस में बैठो या कहीं निकलता हूँ, मेरा स्टाफ मेरी एनर्जी से बहुत पॉजिटिव हो जाता है, मैं उनको देख के पॉजिटिव, तो मुझे देख के होता है कि हमारे आईजी साहब हमेशा खुश मजाज से खुश हो रहे हैं, किसी क्राइसिस में टेंशन नहीं ले रहे हैं। यूजली चेतन ऐसा होता है, हमारे यहाँ कोई डकैती या कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो हमारा जो नीचे का ऑफिस होता है बहुत घबरा जाता है। फोन पे जो मुझे याद है, पहली बार मैंने एसपी का पद संभाला था नालंदा के अंदर, तो मुझे एसएचओ को फोन आया और उन्होंने लगे कि सर डकैती हो गई, सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा डकैती हो गई ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो? आई वाज आल्सो वेरी यंग, मेरी पोस्टिंग थी, बोला मेरे यहाँ क्राइम हो गया। मैंने कहा तुम्हारे को क्राइम हो गया बात सही है, तो दो चीजें, पहली बात क्राइम तुमने तो करवाया नहीं, और क्राइम हुआ है तो तुमको इसीलिए पोस्ट किया, तुमको तनख्वाह इसी बात की मिलती है, एक तो उसको प्रिवेंट करो और जो हो गया तो उसको डिटेक्ट करके उसमें जो अपराधियों को गिरफ्तार करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं है। तो ये जब उसको बात मैंने बोली, चेतन 2 दिन बाद वो सबको पकड़ के ले आया। यही था दूसरा तरीका कि मैं उस पर चल जाता, टेंशन लेता, स्ट्रेस आ जाता कि अरे कैसे क्राइम हो गया, क्या हो गया, एंड दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। जितना लेट मुझे फोन आता है रात को, उतना ही मैं समझ जाता हूँ गलत नहीं हो जाएगी, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। और जब मेरे जूनियर्स को सबॉर्डिनेट्स को पता चल जाता है कि हमारे बॉस या हमारे आईजी साहब कूल है, रिलैक्स्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं को टेंशन नहीं होता है, लेकिन आई डोंट शो इट आउटवर्डली बिकॉज आई एम सपोज टू बी कमांड ऑफ द सिचुएशन। तो वो लोग भी अपना आप पॉजिटिव हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ आप जानते हैं कम्युनल टेंशन भी होते रहते हैं स्टेट्स के अंदर अक्सर, कोई ना कोई और प्रॉब्लम होती रहती है, तो रोज की बात है, लेकिन इसको झेलना आपको आना चाहिए। चलो सो दे तो आपके काम का बात, लेट्स गो बैक अमित, आप जब स्टूडेंट पहले व्हेन योर चाइल्डहुड कहाँ पे थे आप? आपके पेरेंट्स रिच थे या नहीं थे? आप तब क्या सोचते थे जब छोटे बच्चे थे? आपको क्या लगता था मैं लाइफ में कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा, क्या बनना चाहते थे? टेक अस बैक टू दैट टाइम। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मैं आपको सारी बात बताना चाहूंगा। मेरे फादर डॉक्टर थे एंड आई यूज्ड टू लिव इन द मिडिल ईस्ट, सो वी वर वेल ऑफ, आई विल नॉट से रिच, बट उस जमाने में एयर कंडीशनर और ये सब चीजें 70s 80s में जाने के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है नेशनल पैनासोनिक के म्यूजिक सिस्टम्स एंड ऑल दैट, और रॉडों की घड़ियां वगैरह, बट दैट वाज ऑल इररिलेवेंट बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो थे लकीली पढ़े लिखे थे, माँ भी मेरी काफी है, तो उनको इन चीजों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं, और उन्होंने हमको बहुत अच्छी परवरिश दी जैसे सभी माँ बाप अपने इंडिया में बच्चों को देते हैं। एक फर्क ये था कि मेरे माँ बाप ने कभी मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मेरी फैमिली में कभी भी कोई आईटी नहीं गया था, मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरे नाना की फैमिली में सब ब्यूरोक्रेट्स थे जो सेल्स पीपल थे, हिंदू में पढ़े हुए थे। मैं पहली बार आईटी में गया, ऑब्वियसली आईटी इज ए बिग थिंग, कि जो मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना था, सबने कहा तो आईटी में तो पास हो नहीं पा रहा, यूपीएससी तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट, और 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और इतने कम सीट से 100-150 सीट्स होती है, तुम्हारा क्या कोई चांस ही नहीं है। तो एक ही तरीका था मेरे पास, दैट आई हैड टू बिलीव इन मायसेल्फ। यूजुअली पीपल गो फॉर सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशन स्पीचेस,
यू नो किसी गुरु के पास. इवन माय मदर यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ फार्मर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स. यू नो आई एम टेलिंग यू आर नो फॉर्म्स एंड अपेटिंग तू ये अंगूठी पहन ले जन्म पत्री बात लेकर आई बिकॉज़ आई वाज गोइंग थ्रू अ टेरिबल टाइम. सो इट वाज दैट बैड. सो योर सेल्फ आई मीन दिस इज नॉट जस्ट एक ऊपर ऊपर से सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्राइसिस. दिस वाज ह्यूज. आई मीन दिस वाज अफेक्टिंग योर डेली लाइफ योर पर्सनालिटी. एंड वेयर इट वाज वेरी बैड. क्यों हो रहा है? वेयर डू यू थिंक इट केम फ्रॉम? डिप्रेशन कहाँ से है? पॉजिटिविटी कहाँ से? दोनों कहाँ से? पहले लेट्स या ऑफ कोर्स वी विल ऑफ कोर्स फाइनली वी वांट टू नो कि आपने कैसे ओवरकम किया. बट इवन आई डिडंट नो दिस अबाउट यू. सो वेयर डू यू थिंक दिस केम फ्रॉम? लाइक इतना एंड डिप्रेशन कैसे आने लगा? हां डिप्रेशन आने लगा चेतन. एक तो मैं आईटी में जो गया था टोल्ड यू मेरा तो इंटरेस्ट ही था इंजीनियरिंग में. देखो चाहे कंप्यूटर साइंस करते चाहे कुछ भी मिलता मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था. जब मैं कंप्यूटर लर्न बैठता था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो कीज भी उस जमाने बोलते थे सॉफ्टवेयर बनाओ प्रोग्राम बनाओ बहुत इजी थे वो. लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था. लेकिन जैसे ही मेरे को कोई वो अपनी क्लासेस होती थी सोशियोलॉजी की इंग्लिश लिटरेचर की उसमें मैं एकदम चेंज हो जाता था. तो द फर्स्ट थिंग मिस्टेक आई मेड वाज दैट आई वेंट टू द रॉन्ग प्लेस. आईटी चला तो गया मैं खपे के लिए. लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ोगे कि आप कुछ. लेकिन प्रोग्राम स्टीफन्स में होता यू नो हिंदू में होता जब मैं इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ता वो आई वुड हैव बीन अ हैप्पियर पर्सन. एक तो ये था. दूसरा मैं भागने लगा था कि यू नो पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं होगा. यहाँ पे तो इतने जीनियसेस हैं ये सब और मैं कहाँ इतना बेकार से एवरेज करता. तो मैंने कोशिश भी नहीं. एंड यू विल बी सरप्राइज जिस मैथ्स में फेल हुआ चेतन उसी मैथ्स को मैंने यूपीएससी के लिए लिया. एंड आई वाज अमंग द टॉपर्स इन द कंट्री इन दैट मैथ्स. आज मैंने जो वर्दी पहने हुए हूँ उस मैथ्स की वजह से ही है. तो दिस शोज इट्स ऑल इन द माइंड. जैसे आप सेलिंग करने जाते हैं आप देखते हैं लोग क्या लैप्स मार रहे हैं. आईटी में भी आपने देखा होगा 50-50 लेंस मार रहे हैं और कुछ लोग पानी में बहुत वो छपाक छपाक कर रहे हैं. लेकिन करने के बाद जब आप डर हटा लेते हैं उसका 10 बार करेंगे तो 15वीं बार आपको भी वो सेलिंग आई जाएगी. मान लो उनके जैसे नहीं जाएगी लेकिन आप लेंथ तो मार ही लोगे. तो मैंने जब पढ़ाई नहीं की तो फेल होना ही था. लेकिन जब मैं उस मैथ्स को पढ़ने लगा MA 110 को बाद में फॉर द यूपीएससी एंड आई रियलाइज इट वॉज सो ब्लडी इजी. आई वॉज एन इडियट टू अवॉइड इट. We have a tendency, still, you know, at this age also, we avoid problems, we run away from them. Chahe aapki marital problems ho, chahe aapki koi personal problem ho, financial problem ho. I will speak about everything. I went through financial crisis also. I'll tell you everything, right? So, everything you can, you know, tackle. And how we react to a situation is in our hands. Lekin pehle se give up kar dena is the worst possible. A lot of people want to know about UPSC exam. एंड उसमें इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज IIT क्योंकि उसमें तो एक ही पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं. यूपीएससी में देयर आर सम चॉइसेस एंड ऑल. सो वुड यू लाइक टू टेल पीपल व्हाट वर योर चॉइसेस एंड देन टेल. देखो यूपीएससी में हमारे टाइम और अभी भी वो सिस्टम है कि आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक तो आपका जनरल स्टडीज IQ लॉजिक वगैरह इनके टेस्ट होते हैं और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने लिया फिजिक्स. और मेंस के अंदर आपको अगेन जनरल स्टडीज एसे हिंदी इंग्लिश और भी बहुत सारी चीजें होते प्रैक्टिकली कवर एवरीथिंग अंडर द सन. और साथ में आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं. तो मैंने लिए थे फिजिक्स और मैथ्स. जो बंदा IIT में मैथ्स में फेल हो उसने वापस मैथ्स किया. यू कैन इमेजिन व्हाई. लेकिन दिस नंबर व्हाई बिकॉज एक तो मैथ्स वॉज एक्चुअली स्कोरिंग क्योंकि जिन लोग पहले जो निकले थे हमारे सीनियर्स IIT सबने मैथ्स ही लिया था. एंड दूसरा मेरे को अपने आप को प्रूव भी करना था कि मैं जो फेलियर हूँ सो कॉल्ड मैं इसको चाहूँ तो कर सकता हूँ. मैं पता है क्लास 7 में भी फेल हुआ लेकिन 11th 12th में आई वाज द टॉपर इन द स्कूल. तो दिस शोड कि मेरे दिमाग में ही वो डर बैठा हुआ था. जिस जिस चीज का डर मेरे दिमाग में था मेरे को उसको निकालना था. मैंने कहा इसी बात को मैं वापस लूंगा एंड मैं इसको पढ़ूंगा समझूंगा. पहले तो मैंने देखते ही छोड़ दिया कि पता नहीं क्या किताब है रशियन किताब किसको ना अजीब सा इसमें डेल्टा गामा है. लेकिन उस बार मैं वापस किताब लाए इंडिया वाली किताबें लेके आया जिसमें डेल्टा गामा ढंग से बने हुए थे उसको बैठ बैठ के पढ़ा. एंड आई वाज अपॉर्ड. आई वांटेड टू किक मायसेल्फ इन द रियर. मैंने कहा इतनी इजी मैथ्स थी है और मैं बेवकूफ जैसे उसको पढ़ा ही नहीं. मैंने उसको जब मैं करने लगा तो मुझे थोड़े दिन में जो अटेम्प्ट्स एक सवाल में 7-7 थे 3-3 4-4 पे है थोड़े दिन में बिल्कुल वो होता ना एक बार में बस कर दिया सवाल. आई वाज सो कॉन्फिडेंट. आई वाज वेटिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम कि कब ये एग्जाम होगा. मैं बिल्कुल जाके फटाफट फटाफट मैथ्स को पढ़ूंगा. मैं लोग यूजुअली नर्वस होते मेरा उल्टा सीन होते थे. लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या चेंज किया अपने बारे में. जो उस वक्त हम सबके साथ हुआ था क्योंकि आपके चैनल में आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो. सबसे पहले मेरी आदत थी कुछ भी हो सवाल एक बार में नहीं आया किसी दोस्त को फोन कर देना. चेतन यार ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे घर आ जाऊं. मैं स्कूटर उठाया आधे घंटे दूर पहले उसके घर गया और वहां जाके वो सवाल तो पूछा नहीं. बोला यार माधुरी दीक्षित क्या लग रही थी हम आपके अकाउंट में कितनी खूबसूरत लग रही थी.
मुझे याद है तुमको भी रवीना टंडन बहुत पसंद थी, तो यही काम करते थे हम लोग बैठ के। हाँ और उसके बाद यू नो सचिन तेंदुलकर का मैच आ रहा है तो बोलूंगा 5 ओवर देखूंगा, होते थे 50 ओवर देखेंगे। तो जितने तरीके थे अपने टाइम वेस्ट करने के वो मैं सब ढूंढता रहता था। फिर हर 10 मिनट लगता था भूख लग रही, भूख लग रही, तो फ्रिज में जाके कुछ निकाल के खा लिया, पैटीज वैटीज भुजिया खा लिया। यू नॉट बिलीव आई ब्लोटेड, मैं आईटी में तो पतला दुबला लड़ता था जैसे अपन सब होते हैं टीनेजर्स। मेरा वजन 80 किलो हो गया था विद इन 6 मंथ्स आफ्टर कमिंग होम। मैंने 1500 किलो वजन वेट गेन कर लिया। मेरा भाई भाई हंसने लगे कि क्या लग रहे हो खून के। तो मैंने कहा कि मैं मतलब मेरा डिसिप्लिन खराब हो गया। रात को 3 बजे सोने जाता था आईटी में, 3-4 बजे, सुबह 11 बजे उठता था। तो मैंने सारी चीजें अपनी चेंज करी। उसके बाद मैंने मेरी आदत थी कांच वाच में थोड़ी देर देखने मैं कैसा लग रहा हूँ, फिर कोई लड़की देखे कि नहीं, जो मैंने कहा ना टीनेज वाला फंडा, आई नीड लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो मैंने अपने पूरे बाली मंडवा ली, मैंने कैसी टेस्ट कि बाली गार्ड कर लो यहाँ से। और 1 साल तक मैंने शेव नहीं की, ऊपर कोई बाल नहीं था, नीचे दाढ़ी थी। लेकिन मेरे को इस बार किसी की चिंता नहीं थी। जब मेरे से कोई मिलता था बोलता था ये अमित लोढ़ा है। और रोज शाम को मैं स्विमिंग करने जाता था 2 घंटे। पहले मैं स्विमिंग करने जाता था तो मैं इंप्रेस करने जाता था, स्विमिंग पूल में कोई लड़कियां हैं लड़के देखेंगे मैं कितना बढ़िया स्टाइल से फ्री स्टाइल मार रहा हूँ, समरसॉल्ट मार रहा हूँ। लेकिन जब इस बार मुझे ये रिकग्निशन हुआ कि मैं क्या बेवकूफी करूँ अपने लाइफ के साथ, मैं जेन्युइनली सिर्फ स्विमिंग करने जाता था शांति से अपने की तरह स्विमिंग कर अपने लिए। यस स्विमिंग करता था, 20 लेंथ मारे सीधा गया और सीधा निकल के आ गया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन बनता है क्या है। एंड मैंने एक्सटर्नल वैलिडेशन बिल्कुल गायब कर दिया। आई एम थैंकफुल कि उस जमाने फेसबुक वगैरह नहीं था। आई मीन टेल मी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिटनेस इन योर लाइफ एंड इन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग सक्सेसफुल। एंड आपको क्या लगता है लोग क्यों नहीं कई बार करते? इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी चेतन। तो मैं लकी रहा हूं कि मैं फिटनेस के लिए अपना एक तो स्पोर्ट्स, आई लव स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट, यू नो टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, क्रिकेट, फुटबॉल, आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स में अच्छा था, ठीक था, मतलब आईआईटी में भी कहते हैं हसन की टीम्स वगैरह में था, फिर मसूरी एनटीएम में जाके स्क्वॉश चैंपियन बना। तो मेरी हैबिट हो गई, जैसे लोग एक हैबिट नहीं होती कि शाम को मुझे टीवी देखना है या मुझे व्हाट्सएप करना है या फेसबुक करना है। मेरी 6 to 8 इज सैक्रोसैंक्ट। मैं भी मोबाइल वोबाइल करता हूँ, ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भी फेसबुक करता हूँ, इंस्टाग्राम करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन 6 to 8 इज सैक्रोसैंक्ट फॉर मी फॉर द लास्ट 47 नाउ आई थिंक फॉर द लास्ट 40 इयर्स। मुझे वो दिन याद नहीं जब मैं खेला नहीं होगा। मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले खेला है, यूपीएससी के टाइम रोज आगे स्विमिंग की है, मतलब फिटनेस अपने आप ही आ गई। जब मैं मोटा एक ही बार लाइफ में हुआ एंड आई वाज ऑब्नॉक्शियस, मुझे बहुत खराब लगा कि मैंने क्या कर लिया। और बात सिर्फ लोग से अपीयरेंस की नहीं है, आप हिल नहीं सकते, आपको नींद आ रही होती है, आपको मीटिंग में जमाई आ रही होती है, आप बिल्कुल यू नो छोटे छोटे काम नहीं कर पाते। और ट्रस्ट मी चेतन, मैं 47 का आई एम वेरी प्राउड। अकीदर से तुम बोल रहे कि आप मॉडेस्ट हो, आज मैं मॉडेस्ट नहीं हो रहा। एट 47 माय फिटनेस इज मोर देन व्हेन आई वाज 24। आई एम एक्सट्रीमली फिट। ठीक है, अगर यू सी मी रनिंग अराउंड ऑन द टेरेस कोर्ट और स्क्वॉश कोर्ट राइट नाउ, यू विल बी सरप्राइज्ड। व्हाई? बिकॉज़ आई एम कांस्टेंटली चैलेंजिंग माय बॉडी। अभी मैं देखता हूं लोगों का ट्रेंड हो गया, आई एम सॉरी आई एम नो हेल्थ यू नो एक्सपर्ट, बट लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बट अपनी बॉडी को आपने रूटीन में डाल दिया ट्रेडमिल पे। When you play a sport, you're challenging your body. आप different angles पे उसको उठा रहे हो, आपका brain भी साथ साथ function कर रहा है कि सामने वाला opponent ने यहाँ पे डाली बॉल तो आपको क्या करना है। तो that is my meditation. I don't do any yoga. I'm sorry. I'm not more into all that meditation and yoga and all those things. Those are wonderful things. But अपना था मेरा, लेकिन जो 2 घंटे sports का है, I change 3 t-shirts every day. You'll be surprised. I'm drenched in sweat and I play with the best players. और मैं उनसे हारता हूँ रोज, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ, उनको फाइट देता हूँ। मुझे पता है स्टेट लेवल पे ऐसे फिट होगा, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ। एंड क्योंकि मैं उनके साथ खेलता हूँ, मेरा गेम का लेवल बढ़ते जा रहा है। एंड मेंटली आई एम आल्सो वेरी अलर्ट, रेजर शार्प रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं। तो फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म के अलावा जब हम नॉर्मली कपड़े पहनते हैं तो यू ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट। जो आपके ना लुक्स वाली बात, शक्ल तो मेरी अभी भी वही है, तो मैं एज भी बढ़ गई मेरी, जो 20 साल पहले वाली शक्ल अभी थोड़ी रहेगी, बट आई एम गेटिंग मोर कॉम्प्लीमेंट्स नाउ that you are aging very very well. A lot of people can age very well अगर आप अपना थोड़ा ख्याल रखें, बट आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको ये डाइट्स वाइट जो कहते हैं ना एटकिन डाइट्स, ये डाइट या इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत क्या है? नॉर्मल खाना खाइए, आई ईट एवरीथिंग एवरी डे इंक्लूडिंग आलू टिक्की छोला भटूरा, बट देन आई बर्न आउट एवरीथिंग। आई डोंट हैव अ सिक्स पैक, बट आई एम प्रोबब्ली फिटर देन अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माय एज हु हैव सिक्स पैक्स, बिकॉज एंड्योरेंस भी तो चाहिए, स्टैमिना भी तो चाहिए। सिर्फ फिटनेस अगर सिक्स पैक्स ही हो जाए और ये जो आर्म्स फुला लिए तो फिर क्या बात।
सिर्फ ट्रेडमिल को लोगों ने वो रख दिया फिटनेस का एक मापदंड, उसी चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ते कि ट्रेडमिल कर रहे थे तो रोज जॉगिंग करते थे, मैराथन लड़ते थे, फिर भी हार्ट अटैक से मर गए. तो आप ये नहीं देखते स्ट्रेस हम लोग कितना लेते हैं. वी नीड टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स. मैंने जैसे पता मेरा काम कितना स्ट्रेसफुल है हर तरीके से, और भी चीजें लाइफ में होती है अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, लेकिन कई चीजें आई नो हाउ टू रिएक्ट टू देम. जो चीजें मेरे बस में ही नहीं है उस पर मैं रिएक्ट करता ही नहीं. अब मान लीजिए कोरोना वायरस आया पिछले साल, पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट, दुनिया का स्टॉक मार्केट डूब गया, एवरीबडी मेड लॉसेस. दुख तो होता है, मुझे भी हुआ तो, लेकिन अब उसके लिए मैं जीना छोड़ दूं, ऐसा थोड़ी हो. तो ये चीज लोगों को सीख रही है, किसी की मैरिज खराब है, किसी का ये हो रहा है, किसी के बच्चों का इश्यूज है, देयर सर्टेन थिंग्स यू नो व्हिच यू हैव टू गेट ओवर. और ये जो स्ट्रेस जो हमने लाइफ में ले रखे अननेसेसरी का, तो बहुत ज्यादा ले रखे आपको पता ही. अब जैसे हमारी नौकरी में क्या होता है, एवरीबडी इज वाइंग यू नो अभी से कि यार डीजीपी ये होगा, वो रिटायर हो जाएगा, इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाए. ये रेस कभी खत्म नहीं होती चाहता. लकीली मैं इस रेस से 15 साल पहले ही बाहर हो गया. जो मेरे को शुरू में एक दो झटके लगे अपनी नौकरी में, मुझे समझ में आ गया कि पोस्टिंग ट्रांसफर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ है मेरा काम. तो ऑल यू नीड इज, मेरे को एक सीनियर से ने पूछा सर सक्सेसफुल आईपीएस होने के लिए क्या करना चाहिए, और उनके वन लाइनर्स होते थे. सुखदेव सिंह सर ने अभी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी है, बोला कुछ नहीं मेहनत और किस्मत. लेकिन जितनी मेहनत करते हो उतनी किस्मत आपकी खुलती जाती, ये भी बात. That's true. And I think it's great. One is the attitude, आपने बात की. दूसरा is the gratitude. And third is a continuous work है. जैसा आप कह रहे हो, रोज ऐसा नहीं कि आज मैंने सोच लिया या आज हमने ये वीडियो देखेगा जो लोग देख रहे हैं, चलो आज से मैं पॉजिटिव रहूंगा, या चलो आज से मैं फिट रहूंगा, या चलो ऐसा नहीं कि आज से रहोगे तो वो रहेगा. यू हैव टू वर्क ऑन इट आई थिंक एवरी डे, बिकॉज यू आर सेइंग ऐसा नहीं कि यू आर परफेक्ट ना, आपका माइंड फिर नेगेटिव में जाता है. यू हैव टू पुल इट बैक, आ जा भाई वापस. That's the biggest thing. कि same इंसान depressed हो सकता है, same इंसान खुश हो सकता है, same इंसान loser हो सकता है, same इंसान winner हो सकता है, same इंसान sports में एकदम first round में out हो सकता है, same इंसान grand slam जीत सकता है. So that means we are not a fixed personality. कि तू loser है. और तो ऐसा नहीं होता है. हाँ, I think and ऐसा भी नहीं मान सकते कि तू ये तो stud है. ऐसा भी नहीं है. स्टड भी नीचे गिर सकता है, लूजर भी ऊपर उठ सकता है, वो जो स्टड भी है वो स्टड बने हैं. लोग ऐसा नहीं लगता है कि स्टड है, लेकिन वो बनते हैं, बनते हैं. जितने लोग आप देखे ना फरहान अख्तर का एग्जांपल ले लो, तूफान उसने क्या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया. यस, वो लोग करते हैं. Yes. What else is left, Amit? क्या रह गया आपकी लाइफ में और क्या अभी? What else do you want? मेरी लाइफ में मतलब what do I want to do? एक तो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ जैसी चल रही है चलती रहे, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद मायसेल्फ. मैंने और अक्षय कुमार ने एक वेबसाइट शुरू किया भारत की, v.gov.com, आपको पता ही होगा, भारत सरकार का वेबसाइट है ये, जिसमें हम लोग जितने हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद होते हैं के लिए हम लोग पैसा जुटाते हैं. आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हमने 340 करोड़ रुपये उसके लिए जुटाए हैं, और कई परिवारों को जो शहीद के परिवार थे उसको उससे फायदा हुआ. और अभी मैं बिहार पुलिस में वापस आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ बिहार पुलिस के लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, यूजली आईजी डीजी का काम होता है कि उनके जितने क्राइम है केसेस उसको देखो दिन भर, वो तो लोग देखते ही, वो मैं कर रहा हूँ ब्रेड एंड बटर, कि क्राइम नहीं हो मेरी रेंज में. बट मैं चाहता हूँ मेरे जो पुलिस वाले हैं उनकी लाइफ में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. तो अभी मैंने उनके लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू करवाए, एंड मेरे को लगा था कोई शायद खेलने नहीं आएगा. आई वॉज अमेज्ड, लोग भीड़ हो गई वहां पे, जो हमारे पुलिस वाले जो थुल पेट वाले हैं वो सब भागे. मतलब होता ना सुबह 6-6 बजे से पुलिस वाले भीड़ इकट्ठी हो गई, बोले सर 2500 साल बाद हम खेल रहे हैं, 25 साल से नहीं खेल रहे थे हम लोग, हमने बैट बॉल उठाया नहीं था, और आपने जो ये बोला कि खेलो खेलो हमको इतना अच्छा लग रहा है. और मेरे ऑफिस में कितने लोग हैं वो पहले से उनका वजन कम हो गया, पिछले एक महीने में 5-5 किलो लोगों ने वजन लूज कर दिया है, बिकॉज दे आर फीलिंग गुड, दे आर फीलिंग मोटिवेटेड. फिर उनके लिए हेल्थ कार्ड बनाए. अब ऑब्वियसली पुलिस वाले का हेल्थ ठीक होगा, नर्वस वो एंग्जाइटीज की दूर होगी, टेंशन दूर रहेगा, ऑब्वियसली पब्लिक से अच्छे से मिलेंगे. इंडिया में अक्सर शिकायत होती है कि हम पुलिस थाने जाते हैं, पब्लिक से बहुत खराब पुलिस वाले का बर्ताव है. तो कभी आप सोचिए कि पुलिस वाला जो है उसके खाने पीने का पता नहीं, उसके पत्नी कहाँ पे, बच्चे का उसको पता ही नहीं, 3-3 महीने में एक बार वो घर जाता है 2-2 दिन के लिए, बच्चे उसको बिना देखे बड़े हो जाते हैं, और दिन भर वो सीनियर्स की डांट सुनता है, मीडिया में भी आएगा नेगेटिव, मतलब बेसिकली हर तरीके से उसको लोग अटैक कर रहे हैं. मैं भी डांट रहा हूँ, मीडिया में भी आ रहा है कि पुलिस बेकार है हर तरीके से, और स्ट्रेसफुल काम है. तो अगर आप उसके पास जाओगे और इतने साधारण साधारण काम लोग लेके पुलिस के पास आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर दो, पुलिस वाला थोड़ा बहुत आपसे नाराज होगा. मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन उसका निकल ही जाता कहीं ना कहीं. तो उसको दूर करने का क्या तरीका था?
बेस्ट तरीका था जैसे मैं उनके लिए स्पोर्ट्स शुरू करा दिया, बीवी से मैं दादा मैं उनके लिए इंडियन आइडल टाइप म्यूजिक कॉम्पिटिशन करा दिया, उसको भी जीने का एक हक है। मतलब वो नॉर्मल इंसान भी तो है, पिक्चर वाले कभी जाते नहीं, पुलिस वाले कभी देगा आपने कि पिक्चर वाले पुलिस वाले को टका हुआ है। एज ए सीनियर ऑफिसर मैं तो फिर भी जा सकता हूँ, बट मेरा कॉन्स्टेबल या मेरा डीएसपी पूरी लाइफ मैंने नहीं देखा। तो मैं जहाँ जा रहा मैं करता था कि जैसे इलेक्शन बढ़िया हो गया, अभी बकरीद हमारी दो दिन बाद है, बढ़िया से निकट थी, तो सबको बस में बैठाया और सीधा उनको हॉल में बैठाया कि जाओ दो घंटे तो फिल्म देखो, तुम भी तो जीना जियो। और जितना ये चीजें हमने की है उसके ऊपर हमारे पुलिस का काम और अच्छा हुआ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये होता ही है, आप देखते हैं उनको क्रूज पे ले जाते हैं, कभी उनकी पार्टीज होती है, हम तो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक पिकनिक तो कर ही सकता हूँ पुलिस वालों के लिए। आई थिंक तो ये सब चीजें मैं उनके लिए। That's great. And जो आप का, जिसने आपको बोला था ये स्विट्जरलैंड चला गया, उसको ये बोल देना कि चेतन नगर ने स्विट्जरलैंड वाले का तो इंटरव्यू नहीं लिया, मेरा ही लिया। So you must be doing something right. ये तो मैं बोलता हूँ हर जगह, ये तो मैं बोलता हूँ, मैं 5.6 point संबंध था, तो IIT जाके मैंने स्पीचेस दिए पूरे, वहाँ पे पूरा पैक करा हुआ था सेमिनार हॉल। No, I know. ये सब चीजें I am aware of that. So ये सब चीजें होती है लाइफ में। I have one final request to you before we end this, if you don't mind. Just wear that cap once so I can give you a salute. Because that cap looks damn cool. Ye hua baat. Well, Amit sir, thank you for serving our country. And from friend to bashmate to author, fellow author to today, deep talk with me. It's we've had a lot of connections. Guys, आप लोग जो यहाँ तक पहुँच गए हो, thank you so much. हमारी बड़ी लंबी बातचीत थी, deep talk है तो लंबी चलेगी. जो भी आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, डालो comments में. अमित सर भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा. We'll all improve. And tell, अगर ये इनकी कोई भी बात आपको छू गई हो, वो point video का जरूर बताओ कि कौन सी बात आपको छू गई, so that he can also learn कि what all he says that is effective, so he'll tell others. Basically, give us feedback. And of course, if you like the video, if you put comments, if you subscribe, all these things, मेरे से ज़्यादा YouTube के algorithm को फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर वो औरों को दिखाता है. तो that if you can do that, that will really help, because aim here is just to spread positivity. And Amit, thank you so much for being. Any last words you want to say to the youth of the country? Yes, I want to say that live your life and live it passionately. And do not chase external validation, as I told you. Just my girlfriend ki baat kar raha tha, behind the uniform. It's kind of a frivolous thing for a lot of people, but if you are happy with yourself, your happiness will radiate on your face. You could have seen that I was always smiling. Usually, police wala ko hota hai ki stiff body and the smile gayab hi rehti hai. And we age before our times. So if you are happy, your personality is what you are. So सारी चीजें अपने आप ही होने वाली हैं. लोग अपने आप आपको पसंद करेंगे. But if you don't love yourself, तो आपने वो एग्जीक्यूट होगा नहीं. रेडियंस जो कहते हैं और आज वही बोलते हैं. तो आप पॉजिटिव रहिए और चीजें मिलती हैं देर सवेर अगर आपने मेहनत की है. आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको सक्सेस नहीं मिलता है. किसी को थोड़ा पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है. और सक्सेस के डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं. इफ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग देन दैट इज द बेस्ट थिंग. इसका कोई एंड नहीं है. तो जस्ट लिव अ वंडरफुल लाइफ. दैट्स ऑल आई वुड suggest or expect from all the people. And I'm very optimistic, very positive, particularly with the youth of this country, because I've seen the new generation is very, very well read, sophisticated, they are well traveled, bahut cheez unko duniya mein aati hai. I'm very optimistic, very hopeful that our country will be actually a wonderful place to live in the coming days. Chaliye bahut badhiya, thank you so much and all the best. Thank you guys for watching. Take care.